इस मेडिसिन का उपयोग हार्ट बर्न की समस्या में उपयोग किया जाता है, और किसी को अपच की समस्या रहती है या फिर खाना नहीं पचता है, गैस की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, तो इस समस्या में उपयोग किया जाता है। और इस मेडिसिन का उपयोग किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा मरीज को यह मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, या फिर इस मेडिसिन का और किस प्रकार की बीमारी में, किस प्रकार की दिक्कत में मरीज को क्या तकलीफ रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। इस मेडिसिन का डोज क्या होता है, इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, यह मेडिसिन लेना कैसे होता है, कौन यह मेडिसिन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। इस मेडिसिन का डोज और इस मेडिसिन का काम क्या होता है। इस मेडिसिन का उपयोग हार्ट बर्न की समस्या में किया जाता है। हार्ट बर्न क्यों होता है, जैसे कि व्यक्ति को जब वो खाना खाता है तो खाना उसका प्रॉपर रूप से पचता नहीं है पेट में, उसके कारण उसके आपने देखा होगा सीने के नीचे साइड में काफ़ी ज़्यादा जलन की समस्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा गैस होने लगता है, उसे खट्टी मीठी डकार की भी समस्या होने लगता है, और उसके सीने में सीने के नीचे यानी बीच में एक प्रकार से मीठा मीठा दर्द सा भी होने लगता है। तो इस सारी समस्याओं को ये मेडिसिन ठीक करने का काम करता है, यानी अपच की समस्या को ठीक करने का काम करता है। अपच से रिलेटेड अगर उसे कोई भी तकलीफ रहता है तो सारी समस्याओं को ठीक करता है ये मेडिसिन। हार्ट बर्न की समस्या में क्या होता है कि व्यक्ति अगर वो खाना खाता है तो उसका खाना है ना वो प्रॉपर रूप से पचता नहीं है, तो जिसकी वजह से उसके एक प्रकार से सीने के नीचे बीच में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जलन की समस्या होने लगती है, दर्द के जैसा महसूस होने लगता है, तो उस समस्या को ये मेडिसिन ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि इनडाइजेशन की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि अगर आप खाना खाए आपका खाना प्रॉपर रूप से पचता नहीं है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं मीठा मीठा दर्द सा होने लगता है, जलन की समस्या होने लगती है, पेट फूला फूला सा रहता है, आपको गैस भी बनने लगता है, तो इस सारी समस्याओं को ये मेडिसिन ठीक करने का काम करता है। और ये मेडिसिन अपसेट स्टमक की समस्या को ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि किसी भी कारण से अगर आपका पेट खराब हो गया है तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि डायरिया की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। जब किसी को डायरिया हो जाता है तब उस समस्या को ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। और जैसे कि अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा अम्ल बन रहा है या फिर बहुत ज़्यादा एसिड की समस्या बन रहा है तो इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, या फिर इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। और भी दिक्कत और भी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा और भी बीमारी में ये मेडिसिन डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस और मरीज की दिक्कत और उसकी समस्या को देखते हुए और भी बीमारी में ये दवा प्रेस्क्राइब करते हैं। चलिए अब हम आपको इस दवा के डोज के बारे में बताते हैं। इस दवा का डोज डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार से निर्धारित करके मरीज को लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो इस दवा का डोज होता है ये डॉक्टर मरीज की एज और उसकी दिक्कत और उसके बॉडी वेट और उसकी समस्या और अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार इस दवा का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं। लेकिन जो एडल्ट में इस दवा का डोज डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है ये एक टेबलेट सुबह या फिर एक टेबलेट शाम को खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद में डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस दवा का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि ये दवा लेने के बाद में अगर आपको ईचिंग की समस्या होने लगे, खुजली की समस्या होने लगे, नोज़िया या फिर वोमिटिंग के जैसा महसूस होने लगे तो ये तुरंत मेडिसिन आप बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई दिक्कत और भी कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा यूज़ करें। कभी भी आप कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा खुद से उपयोग ना करें।